हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का तोरण का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए, आप देख सकती हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है। इसे मैं वाइट ऊन से बुनी हूँ और इसे मैं टू प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप इसे बुन कर दिखा रही हूँ, जिससे आप बहुत ही इजीली इस डिज़ाइन को, इस तोरण डिज़ाइन को बना सकती हैं। देखिए, अब मैं इसे बुन कर दिखा रही हूँ। पहले मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ। अब मैं पहले तोरण पट्टी बुन कर दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं नीचे का डिज़ाइन तोरण का बना कर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं 6 क्रॉस, यहाँ पर मैं 20 क्रॉस बना रही हूँ, 20 चेन, और यहाँ पे 20 चेन बनाकर और सभी में मैं डबल क्रूसिया यहाँ पे सभी चेन में तैयार कर ले रही हूँ। सभी चेन में मैं 20 चेन में मैं सिंगल क्रूसिया डबल क्रूसिया बुन ली। अब मैं डिजाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। पहले मैं 3 चेन बनाकर और यहाँ पे 4 डबल क्रूसिया बना ली। अब 1 2 3 3 चेन बनाकर और 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया छोड़कर और बीच में डबल क्रोशिया 1 बनाकर फिर 1 चेन बनाकर और फिर डबल क्रोशिया बनाकर, देखिए बीच में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाकर फिर से 3 चेन बनाकर और यहाँ पे किनारे पे आप जितना चाहे रख सकती हैं 5 डबल क्रोशिया या 4। तो देखिए इस तरह से मैं बुन ली हूँ और फिर 3 चेन बनाकर और किनारे पे 5 या 4 जितना मतलब आप चाहती हैं उतना डबल क्रोशिया बनाकर और फिर से इस डिज़ाइन को देखिए 2 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में यहाँ पर 10 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बुन रही हूँ। डिज़ाइन को 10 बार बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम या अधिक बना सकती हैं। दोनों डबल क्रोशिया में 10 10 डबल क्रोशिया में बुन रही हूँ। देखिए अब इस वाले डबल क्रोशिया में मैं 10 बार बुनूंगी। दोनों दो बना था बीच में डबल क्रोशिया, दोनों में 10 10 डबल क्रोशिया बुनी हूँ। तो देखिए मैं बुन ले रही हूँ, पूरा बुनकर देखिए बुनकर तैयार कर ली। अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया से लॉक कर दूंगी इस चेन में यहाँ पे। अब चेन बनाकर एक और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ किनारे पे। अब फिर से इधर से फिर से 4 डबल क्रोशिया तैयार करके इधर से और देखिए यहाँ इधर से 4 डबल क्रोशिया मैं पहले तैयार कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ पे 4 पहले मैं डबल क्रोशिया तैयार कर ली। 1 1 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 8 बार धागे को लेकर मैं पम्पम तैयार की हूँ और यहाँ पे बीच में मैं 3 पम्पम तैयार बनाई हूँ। तो देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर ली और इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट बताई हूँ और एक अगले वीडियो में इस तोरण पट्टी को बनाकर बताई हूँ, इसमें थोड़ा स्लो बताई हूँ। तो आप देख सकती हैं इसमें, इस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी लिंक उसका। तो देखिए इस तरह से मैं तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली। अब मैं नीचे के डिज़ाइन को बुन कर दिखा रही हूँ। तो पहले मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 देखिए 5 चेन बनाकर और इधर सबसे नीचे वाले चेन में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पे 1 इस तरह से मैं 10 बार इस तरह से बुन ली हूँ। डबल क्रोशिया 10 बार बनाई हूँ और 3 चेन बनाकर और 2 देखिए डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे मैं 4 बार, ये 2, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां, 5 डबल क्रोशिया मैं बुन कर और फिर से बीच में डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और फिर से 4 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ किनारे पे।
अब यहाँ पे मैं डिजाइन देखिए नीचे मैं बनाए हूँ डिजाइन, उसी तरह से यहाँ भी मैं तैयार कर ले रही हूँ। देखिए दो डबल क्रोशिया तैयार कर ली। अब मैं फिर से थ्री चेन बनाकर बीच में इसमें मैं बुन रही हूँ फाइव डबल क्रोशिया, दोनों तरफ किनारे पे फाइव डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ और बीच में मैं डिजाइन को बना रही हूँ। तो देखिए दो डबल क्रोशिया बना था, अब एक चेन बनाकर और इसमें और डबल क्रोशिया मैं बढ़ाऊँगी, एक बना ली एक चेन, फिर एक दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और यहाँ पे देखिए फाइव डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फाइव डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली और देखिए बीच में दो डबल क्रोशिया बनाई हूँ, वन टू थ्री चेन बनाकर फिर से यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ और बीच में दो डबल क्रोशिया बनाई हूँ, उसमें मैं डिजाइन को निकालूंगी तैयार करूंगी। पहले एक डिजाइन को मैं यहाँ पे निकालूंगी, तो दो चेन बनाकर और देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया दो बनाई हूँ बीच में, तो मैं यहाँ पे 10 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना रही हूँ जिस तरह तोरण में बनाई थी, और दोनों तरफ 10-10 मैं बना ले रही हूँ इस तरह से घुमाकर। और देखिए इस तरह से मैं इससे आप कम या अधिक भी बना सकती हैं। तो देखिए मैं 10 बार बनाई हूँ, तो इस तरह से मैं पूरे डबल क्रोशिया को तैयार कर ले रही हूँ। देखिए ये डिजाइन तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ इस तरह से, और एक चेन बनाकर और यहाँ पे देखिए फाइव डबल क्रोशिया मैं बना दे रही हूँ। देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से फाइव डबल क्रोशिया थ्री चेन बनाकर और फिर से फाइव डबल क्रोशिया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर वन चेन बनाकर फिर से डबल क्रोशिया किनारे पे, फिर से दो चेन बनाकर और बीच में मैं पम्पम तैयार कर ले रही हूँ आठ बार धागे को इस तरह से लेकर, और देखिए पम्पम मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए लॉक कर दे रही हूँ अब सिंगल क्रोशिया से और दो चेन बीच में देकर, और फिर से मैं डबल पम्पम तैयार कर ले रही हूँ, बीच में मैं थ्री पम्पम तैयार कर ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लॉक कर दे रही हूँ और देखिए इस तरह से चेन थ्री बनाकर और फिर से फाइव डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं बना रही हूँ, किनारे पे मैं फाइव डबल क्रोशिया तैयार कर ले रही हूँ। देखिए एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब पीछे की तरफ से वन टू थ्री चेन बनाकर फिर से फाइव डबल क्रोशिया किनारे पे फाइव डबल क्रोशिया दोनों तरफ मैं बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो चेन बनाकर और किनारे पे यहाँ पे मैं डिजाइन को बना रही हूँ, डिजाइन निकलेगा तो दो, अब यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया सभी होल में मैं तैयार की हूँ और किनारे पे फाइव डबल क्रोशिया एक लाइन पीछे से इसी तरह बनेगा और आगे की तरफ से फिर से मैं डिजाइन को निकालूंगी। तो इस बार दो डिजाइन निकालूंगी, पहले एक बनाई हूँ उसके बाद दो किनारे किनारे पे दो। तो देखिए मैं डिजाइन को निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे दो मैं डिजाइन को बनाई हूँ, उसी तरह से यहाँ पर वन टू चेन बनाकर देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया एक फिर एक चेन देकर फिर से देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बन गया, यहाँ पे डिजाइन बनेगा और फिर से चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन बनाकर फिर से किनारे पर देखिए इस तरह से मैं नाप ले रही हूँ। और देखिए डबल क्रोशिया यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया डिजाइन बनाने के लिए और थ्री चेन बनाकर फिर से फाइव डबल क्रोशिया किनारे पे मैं तैयार कर ले रही हूँ। किनारे किनारे पर दोनों तरफ फाइव डबल क्रोशिया मैं बनाई हूँ। तो देखिए मैं तैयार कर ले रही हूँ फाइव डबल क्रोशिया। ये डिजाइन काफ़ी इजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बुन सकती हैं। तो देखिए थ्री चेन बनाकर और फिर से फाइव डबल क्रोशिया मैं बुन रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तैयार कर ले रही हूँ फाइव डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से मैं डिजाइन को तैयार करके दिखा रही हूँ। देखिए दो थ्री चेन बनाकर
और फिर से इस डबल क्रोशिया में पहले एक डबल क्रोशिया में 10 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, 10 बार। आप चाहें तो इससे कम या अधिक बना सकती हैं, मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए ये मैं दोनों डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर ली। अब मैं इस तरह से लॉक कर दे रही हूँ और यहाँ पे 3 चेन बनाकर फिर से 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ। यहाँ पे तो दोनों किनारे पे 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं डिजाइन को आधा कंप्लीट की हूँ और ऊपर पम्पम मैं तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से एक एक डिजाइन बढ़ता जाएगा। आप नीचे देखिए मैं बनाई हूँ, देख सकती हैं। तो मैं देखिए पहले 5 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। तो किनारे पे 5 डबल क्रोशिया मैं बनाई हूँ। उसके बाद डिजाइन में मैं पम्पम बनाऊँगी। तो 3 चेन बनाकर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 बनाकर चेन और यहाँ पे मैं पम्पम बना रही हूँ। 8 बार धागे को लेकर इस तरह से और सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और 3 चेन बनाई हूँ। तो 2 2 चेन बनाकर 3 पम्पम, तो 1 2 चेन बनाकर फिर दूसरा पम्पम मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से और 4 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया से लॉक करके फिर से 2 चेन बनाकर फिर से मैं, आप चेन अपने हिसाब से देख सकती हैं, या लूज रखना है या टाइट रखना है तो उसी हिसाब से मैं चेन यहाँ पे बनाई हूँ। तो इसे कम या अधिक चेन भी आप बना सकती हैं। तो इसी तरह से देखिए पम्पम मैं तैयार कर ली। अब ऊपर पूरा एक लाइन पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया सभी होल में बुना जाएगा। तो देखिए मैं इतना बना ली हूँ उसके जैसा। अब 3 डिजाइन यहाँ पे एक एक डिजाइन बढ़ता जाएगा। देखिए सिंगल क्रोशिया मैं एक लाइन बुन ली हूँ और आगे मैं डिजाइन यहाँ पे निकाल रही हूँ। अब फिर यहाँ पे 3 बनेगा, डिजाइन 2 बना था तो 3 बनेगा। इसी तरह से मैं पूरे डिजाइन को बुन कर तैयार कर ले रही हूँ और तैयार करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैं तैयार की हूँ। तो देखिए मैं तैयार करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ डिजाइन के सामने सामने डिजाइन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरे डिजाइन को देखिए तैयार कर ली हूँ। अब मैं तोरण पट्टी में इस डिजाइन को ज्वाइंट कर रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। तो देखिए पहले गांठ लगा ली हूँ एक और यहाँ पे मैं देखिए अब मैं ज्वाइंट कर रही हूँ डिजाइन को और तोरण पट्टी को, दोनों को मैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही सिंगल क्रोशिया से देखिए सभी सिंगल क्रोशिया से मैं यहाँ पे पूरे डिजाइन को लॉक कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। तो पहले मैं नीचे की डिजाइन को बुन ली थी तोरण पट्टी में ही नहीं बुनी थी, अलग से मैं जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट तरीका से इस तोरण को मैं बुनी हूँ। तो आप देख सकती हैं बहुत ही इजीली इस तोरण को बना सकती हैं। तो देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से पूरे मैं तोरण डिजाइन को ज्वाइंट कर रही हूँ, जोड़ ले रही हूँ और जोड़ कर कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये लास्ट इतना बचा है, मैं इसे भी कंप्लीट करके ले रही हूँ। देखिए ये बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली इस तोरण को बुन सकती हैं और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। इसे मैं सिर्फ वाइट ऊन से बुनी हूँ तो और भी सुंदर दिख रहा है। कैंची की मदद से किनारे पे मैं धागे को कट कर दे रही हूँ। देखिए मैं जोड़ दी हूँ डिजाइन को, दोनों तरफ 2 डिजाइन इस तरह का बुन कर मैं देखिए तोरण में मैं बना दी हूँ। अब मैं झालर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 30 बार धागे को इस तरह से लपेट रही हूँ। आप इससे कम या अधिक बार लपेट सकती हैं झालर को, आप जितना मोटा या पतला बनानी चाहे बना सकती हैं। तो मैं 30 बार यहाँ पे लपेट रही हूँ हाथों में और इस तरह से 2-3 बार धागे को लपेट कर और गांठ लगा कर और सीजर से कैंची की मदद से देखिए यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे कट कर दी, एक झालर बन गया। इसी तरह से मैं सभी झालर को तैयार कर ले रही हूँ। देखिए सभी झालर को मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे तोरण में अटैच करके दिखा रही हूँ। इसे मैं सुई के मदद से इसे लगा ले रही हूँ सभी तोरण को। तो देखिए इस तरह से मैं
लगा रही हूँ। पहले मैं एक झालर को यहाँ पे लॉक कर रही हूँ इस तरह से, दो बार इस तरह से मैं बांध दे रही हूँ सुई के मदद से। और यहाँ पे 3-5 डबल क्रोशिया छोड़ कर और तीसरे में फिर से मैं झालर को लगा रही हूँ, जोड़ रही हूँ। इसी तरह से 3-3-5 डबल क्रोशिया छोड़ कर किनारे पे 5 डबल क्रोशिया मैं बनाई थी सभी में, देखिए झालर को कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण पूरा बन गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।